नमस्कार मित्रों, माता रानी की जय हो। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, आज हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जो हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े त्योहार के दिन किया जाता है। दीपावली के दिन किस प्रकार से होता है प्रचंड वशीकरण, आज हम उसी के बारे में जानेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, तो चलिए शुरू करते हैं। पर ध्यान रहे, मांस मदिरा का सेवन करके आपको इस विधि को बिल्कुल नहीं करना है। नॉनवेज खाए हुए व्यक्ति इस विधि से दूर रहें, इस बात का ध्यान रखें। तो मित्रों, बात करते हैं आज के विधि की। आज हम आपको बताएंगे कि 4 नवंबर को किस प्रकार से दीपावली की रात्रि में आप वशीकरण करके अपने प्रेमी को जीवन भर के लिए आपका गुलाम बना सकते हैं। हमने पहले भी नवरात्रि के और दशहरे के दिन इन पावन अवसर पर, इन जबरदस्त मुहूर्त पर वशीकरण की विधि बताई है। कई लोग उन दिनों में चूक गए होंगे, तो आप ये दीपावली के दिन वशीकरण जो हम बता रहे हैं उसको संपन्न करिए। जीवन में आपको कभी भी कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर ये विधि आपने हमारे बताए हुए मुहूर्त में कर ली तो आपको जिंदगी में कभी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गारंटी है हमारी वशीकरण होकर रहेगा। अगर हमने जैसा बताया है वैसे आपने किया तो हमारी जवाबदारी है, आपका वशीकरण होकर रहेगा। आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बनकर रहेगा। आपकी पत्नी आपके साथ उम्र भर के लिए गुलाम बन के रहेगी और आपका पति आपके साथ उम्र भर के लिए गुलाम बन के रहेगा। दीपावली के दिन साल में एक बार आता है सिर्फ ये मुहूर्त। अमावस्या की रात्रि साल में एक बार दीपावली के दिन ये मुहूर्त आता है। अगर आपने ये विधि कर ली तो आपको कभी भी अपने प्यार के लिए रोना नहीं पड़ेगा। आपका प्यार ही आपके लिए तड़पेगा और रोएगा। अगर ये उपाय आपने आजमा लिया तो आपको जिंदगी भर कभी भी किसी तांत्रिकी या तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपका प्रेमी आपका जीवन साथी बन जाएगा। चलिए मित्रों, बात करते हैं विधि की सामग्री की। जिस प्रकार से आप स्क्रीन पर 4 मिट्टी के दीपक देख पा रहे हो और टोटल आपको 5 मिट्टी के दिए इसमें इस्तेमाल करने हैं और घी डालकर और उन्हें प्रज्वलित करना है। घी के दीपक आपको जलाने हैं, ध्यान रखिएगा। तेल के दीपक नहीं होने चाहिए, घी का दीपक आपको जलाना है और 5 दीपक का इस्तेमाल करना है। कुमकुम आपको लेनी है। कुमकुम पूरे भारत में आसानी से आपको मिल जाएगी किसी भी पूजन सामग्री की दुकान पर। थोड़ी सी कुमकुम आपको इसमें इस्तेमाल करनी है। साथ में लेना है सामने वाले का फोटो, सामने वाले का प्रतिबिंब आपको लेना है। प्रतिबिंब 3 साल से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए और साइड फेस का प्रतिबिंब नहीं होना चाहिए। सामने देखता हुआ, जिसमें आपका प्रेमी आपकी तरफ देखता हो, उस प्रकार का प्रतिबिंब, उस प्रकार का फोटो उसका होना चाहिए। ये आपको 3 प्रकार की सामग्री इसमें इस्तेमाल करनी है। विधि का समय रहेगा दीपावली की रात्रि 12 से 1 बजे के बीच। 1 घंटे के अंदर अंदर आपको ये विधि पूरी करनी है। 1 घंटे के अंदर अंदर वो मुहूर्त खत्म हो जाएगा, जो मुहूर्त इस विधि को बहुत ही विशेष, बहुत ही ताकतवर बनाता है। इससे इतना प्रचंड वशीकरण होगा कि आपका प्रेमी जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर किसी भी प्रकार का तंत्र मंत्र भी असर नहीं करेगा। इतना प्रभावशाली ये मुहूर्त है। तो आपको जो हमने सामग्री बताई है वो लेकर दीपावली के दिन आपको रात्रि 12 से 1 बजे के बीच कपड़ा बिछाकर, काले कलर का कपड़ा बिछाकर आपको बैठना है। ध्यान रखिएगा, हम कपड़ा बिछाकर हर विधि में बताते हैं पर कलर नहीं बताते। इस विधि में आपको काले रंग का ही कपड़ा बिछाकर बैठना है, ध्यान रखना, क्योंकि तंत्र मंत्र को काली शक्ति माना जाता है और अमावस्या के दिन भी काली शक्तियां बहुत ही तीव्र असर करती हैं। इसीलिए ये दीपावली का मुहूर्त बहुत ही खतरनाक, बहुत ही तेज और बहुत ही पावरफुल बन जाता है। इससे चारों दिशाओं से रश्मियां प्रवाहित होती है और बहुत तेज गति से आपके प्रेमी को वश में करती हैं। तो आपको ये सामग्री लेकर दीपावली की रात्रि 12 से 1 बजे के बीच पूर्व दिशा की ओर मुख करके काला कपड़ा लेकर बैठ जाना है और सर्वप्रथम जो आपने सामने वाले का प्रतिबिंब लिया है उसे जलाकर, यहां पर हम कागज का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको सामने वाले का प्रतिबिंब लेना है और उसे जलाकर इस कुमकुम में मिला लेना है। इसे रोली भी बोला जाता है, कुमकुम भी बोला जाता है। रोली और कुमकुम एक ही चीज होती है। इसमें आपको ये फोटो की राख, अपने जो प्रतिबिंब है, जिसके प्रेमी का आपने प्रतिबिंब लिया है, उसकी राख आपको इसमें मिला लेनी है।
इस प्रकार से आपको जो आपने फोटो ली है उसकी राख बनाकर, पूरे प्रतिबिंब की राख बनानी है, अवशेष नहीं बचना चाहिए, और इस राख को आपको, ये जो रोली आपने ली है, इसमें अच्छे से आपको मिला लेना है। यानी सामने वाले को भी आपने, सामने वाले की छवि को आपने इसमें मिला लिया और उसके अक्ष को आप इस विधि में काम में ले रहे हो। इस प्रकार से करने के बाद आपको ये जितना भी आपने रोली और कुमकुम उसकी फोटो की राख के साथ लिया है उसका अच्छे से आपको यहां पर इकट्ठा कर देना है। और जो पांचवा दीपक हमने बताया था वो आपको सेंटर में रखना है। यहां पर चार दिशा की तरफ मुख करते हुए, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, चार दिशा की ओर मुख करते हुए जो इनकी लो रहेगी, दीपक की जो लो रहेगी वो चारों दिशाओं की तरफ होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। और जो पांचवा दीपक है उसका जो सिद्ध होना चाहिए वो भी पूर्व दिशा की ओर होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये जो दो दीपक हैं वो पूर्व दिशा की ओर मुख करके रहेंगे और बाकी के दीपक अपनी अपनी दिशाओं की ओर उनकी जो बाती है वो रहेगी। इनका इस बात का विशेष ध्यान रखना क्योंकि ये जो विधि है वो अमावस के दिन की जाएगी और काली शक्तियों का बहुत ही ज्यादा प्रभाव बनेगा, जो वशीकरण की शक्ति है उसका बहुत ही ज्यादा प्रभाव बनेगा और चारों दिशाओं से, वर्ण मध्य से भी बहुत ही जबरदस्त शक्तियों का निर्माण होगा और सामने वाले को आपका गुलाम बनाएगा। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है, जैसे बताया है वैसे करें, जीवन में आपको कभी कुछ नहीं करना पड़ेगा। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजन के बाद आप ये विधि करिए, बहुत ही ताकतवर आपको इस विधि से रिजल्ट मिलेगा। अब आपको जितने भी दीपक आपने लिए हैं, जो घी के दीपक हैं, तेल के दीपक नहीं होने चाहिए, घी के दीपक मिट्टी से बने हुए उनका ही इस्तेमाल करना है। जितने भी दीपक लिए हैं सबको आपको प्रज्वलित करना है, जलाना है। दीपक जलाने का क्रम कुछ भी हो सकता है, बस ध्यान रखिएगा आपके हाथ ना जले उसमें। इस प्रकार से आपको पांचों दीपकों को प्रज्वलित कर लेना है, जला लेना है। और अब हम इन्हें अभिमंत्रित करेंगे, जो ये स्थिति अपन ने बनाई है इनको अभिमंत्रित करेंगे। मित्रों, अगर आपको जानकारी पसंद आ रही हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और ध्यान रखें कि विधि में किसी भी प्रकार की आपको गलती नहीं करना है, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। जैसे बताया है वैसे करें। और अगर आपको किसी भी प्रकार का सवाल या शंका है या कोई भी समस्या आपके जीवन में है तो आप हमें बेझिझक कॉल करें, आपकी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। अभिमंत्रित करने के लिए अब हमें सिर्फ यहां पर बैठकर मंत्र उच्चारण करना है और कुछ नहीं करना। मंत्र थोड़ा ऊंचे स्वर में बोलिएगा, मन मन में मंत्र नहीं बोलना है। जब तक अपन मंत्र नहीं बोलेंगे तब तक कोई भी तांत्रिक क्रिया सफल नहीं होती है। तंत्र और मंत्र हमेशा एक साथ रहते हैं, तो मंत्र के बिना तंत्र अधूरी होती है। मंत्र बोलने पर ही ये चीजें अभिमंत्रित होती है, उनमें से रश्मियां निकलती हैं और ये रश्मियां बहुत ही ताकतवर असर करती हैं वशीकरण बनाने में। तो अब आपको मंत्र बताया जाएगा, कामाक्षी का मंत्र है, बहुत ही ताकतवर मंत्र है। ये मंत्र आपको पहले अच्छे से याद करना है, बाद में विधि में इस्तेमाल करना है। मंत्र की पिक्चर भी चलाई जाएगी ताकि आपसे किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो, और मंत्र उच्चारण करके भी आपको समझाया जाएगा ताकि आपका उच्चारण सही हो और आपको विधि का 100% लाभ मिले। मंत्र उच्चारण का बेहद विशेष ध्यान रखना क्योंकि मंत्र उच्चारण से ही आपको सफलता मिलती है। मंत्र ध्यान से सुनिएगा, मंत्र है ओम रीम क्लीम कामाय कामाक्षी सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। दोबारा सुनिए, ओम रीम क्लीम कामाय कामाक्षी सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। ओम रीम क्लीम कामाय कामाक्षी सामने वाले का नाम मम वश्यम स्वाहा। मान लीजिए यहां पर कोई लड़का है, वो अपनी पत्नी का वशीकरण कर रहा है और उसकी पत्नी का नाम है रमा, तो वो क्या बोलेगा, ओम रीम क्लीम कामाय कामाक्षी रमा मम वश्यम स्वाहा। नाम के स्थान पे आपको अपने प्रेमी का नाम लेना है जिसका आप वशीकरण करना चाहते हो। घी के दीपक जलते रहेंगे, आप मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, बहुत ही शानदार, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही प्रगाढ़ वशीकरण की शक्तियों का निर्माण होगा जो आपके प्रेमी को जीवन भर के लिए आपके पैरों में डाल देगा। इतना प्यार आपका प्रेमी करेगा जितना उसने अपने माता पिता से भी नहीं किया होगा, जीवन में किसी से भी नहीं किया होगा, इतना प्रेम करेगा। बस ये ध्यान रखना किसी भी गलत नियत से आपको ये विधि नहीं करनी है। मंत्र सुनिए, ओम रीम क्लीम कामाय कामाक्षी नाम मम वश्यम स्वाहा। ये मंत्र आपको 11 मिनट तक करना है।
इस मंत्र की कोई संख्या नहीं है, आप इसे 11 बार भी कर सकते हो, 21 बार भी कर सकते हो, 50 बार भी कर सकते हो और 100 बार भी कर सकते हो। 11 मिनट का आपको अलार्म लगाना है घड़ी या मोबाइल में, पूरे 11 मिनट तक आपको यह मंत्र बोलना है और सामने वाले का चेहरांतर ध्यान करना है। आंखें बंद करके अपने प्रेमी को याद कीजिए, अपने प्रेमी के चेहरे को देखिए, जिसे आप अपने वश में करना चाहते हो, ऐसा लगना चाहिए आपको, ऐसा महसूस होना चाहिए कि वो भी आपके साथ इस विधि में बैठा है और वशीकरण करवाने में मदद कर रहा है। ये मंत्र बोलते हुए 11 मिनट तक आपको पूरी दुनिया को भूल जाना है और अपने प्रेमी को याद रखना है और उस प्रेमी को वश में करने की जो आपकी कामना है उसको याद रखना है। 11 मिनट तक आपको यह मंत्र बोलना है। जैसे ही 11 मिनट कंप्लीट हो जाए, आपका काम खत्म हो गया, आपने मंत्र उच्चारण करके जो आपने तत्का तैयार किया है, जो सामग्रियां तैयार की है, उनको जागृत कर दिया है। अब आप आराम से जाकर सोइए, आराम से जाकर विश्राम करिए, आपका काम रात्रि का खत्म हो गया। इन दीपकों को ऐसा ही जलते हुए आपको छोड़ देना है। ये दीपक पूरी रात रश्मियों का भंडार बना देंगे, जो शक्तियां होती है, जो एनर्जियां होते हैं, उनकी बाढ़ ला देंगे और चारों दिशाओं से, मध्य से भी, पांचों दिशाओं से आपका प्रेमी पूरी तरीके से आपके वश में हो जाएगा और आपके पास आएगा। पांच दिशाओं से शक्तियां उसके शरीर में प्रवेश करेंगी और उसे पूरी तरीके से आपका गुलाम बना देंगी। रात्रि भर ये दीपक जलेंगे और रात्रि भर आपका काम चलेगा। आप सोते रहोगे पर आपका वशीकरण के जो काम आपने किया है वो चलता रहेगा, उसकी रश्मियां बनती रहेंगी और आपके प्रेमी तक जाती रहेंगी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे वो हजारों किलोमीटर दूर हो या फिर चाहे वो घर के सामने ही क्यों ना हो। बहुत ही ताकतवर वशीकरण है, आप इसे आजमाइए, दीपावली का ये मौका मत खोना। कई लोग दशहरे का और नौरते का मौका खो चुके हैं, दीपावली वाला मौका आपको नहीं खोना है और ये विधि करनी है। अपने प्रेमी के साथ अपना पूरा जीवन आपको बिताना है, क्योंकि आप गलत नहीं हो। अगर आप अपने मनपसंद जीवन साथी से विवाह करना चाहते हो तो ये आपका अधिकार है, इसमें आप गलत नहीं हो। तो आप ये विधि करिए, सुबह उठते ही ये सभी दीपक अस्त हो चुके होंगे, तो आपको सारा जितना भी आपने तंत्र मंत्र का सामान बनाया था उसे इकट्ठा करके इस काले कपड़े के समेत, ये जो काला कपड़ा है इसके सहित आपको पांचों दीपकों को इसमें बांध लेना है और जो आपने कुमकुम ली थी उसको भी इसमें बांध लेना है। हर सामग्री आपको इसमें बांध के और पीपल के पेड़ में डालकर इसे ठंडा कर देना है या बहते हुए जल में प्रवाह करके इसे ठंडा कर देना है। दूसरे दिन 5 नवंबर को आपको बहुत ही पावरफुल रिजल्ट मिल जाएगा। 5 नवंबर शाम होते होते पूरी तरीके से आपका प्रेमी आपका गुलाम हो जाएगा, आपके वश में हो जाएगा, खुद फोन करेगा, बातचीत करेगा, उसका मन विचलित होगा आपसे बात करने के लिए, उसको आपकी पुरानी बातें याद आने लगेंगी, आपके साथ जो पुराना वक्त उसने बिताया था वो याद आने लगेगा और वो व्यक्ति जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा। मित्रों, हम जो भी विधि आपको बताते हैं वो बहुत ही प्रामाणिक विधियां हैं, इन्होंने लाखों लोगों के जीवन को बदला है। 14 साल का जो हमारा अनुभव है इससे हम आपको बताते हैं कि अगर आप इन विधियों को समय देते हो तो ये विधियां आपके जीवन को बदल के रख देती हैं। 1 दिन की 2 दिन की 3 दिन की ये विधियां आपके पूरे जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, बस आपको करना पड़ेगा। पति पत्नी में अनबन है, पति पत्नी में झगड़ा चल रहा है, आप दीपावली के दिन ये विधि करिए, आपका पति या पत्नी आपके जीवन भर के लिए आपका गुलाम हो जाएगा, आपकी हर कही हुई बात को मानेगा। प्रेमी किसी के बहकावे में आ गया है, बुरी संगत में चला गया है, कई साल तक चला हुआ रिश्ता आपका दूर हो चुका है, शादी के लिए मना हो रहा है, प्रेमी आपका शादी के लिए मना कर रहा है इतने साल रिश्ते में रहने के बाद भी, या फिर रिश्ते में किसी तीसरे पर्सन का आगमन हो गया है, तो आप ये विधियां करिए, किसी भी प्रकार की प्रेम समस्या नहीं रहेगी, ये हमारा वादा है आपसे। माता रानी आपको जरूर सफल करेंगी। मित्रों, विधि को लेकर आपके मन में कोई शंका या सवाल है, या आपसे कोई गलती हो गई है, या फिर आप ये विधि आश्रम से करवाना चाहते हैं, तो हमें बेझिझक संपर्क करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी। हमारे संपर्क सूत्र आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं। इसी के साथ जय माता दी। मित्रों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए स्क्रीन पर चल रही ज्योति से बदले जीवन की पिक्चर को प्रेस करें, आप हमेशा के लिए हमारे साथ जुड़ जाएंगे। जय माता रानी।